नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। ये जो वैशाली का लोकसभा चुनाव है वो दिन पर दिन और ज्यादा विवादों में घिरता जा रहा है। पहले वीणा देवी पर किसी मामले का जिक्र नहीं करने का आरोप लगा, बाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें क्लीन चिट दी, और कल तो कुछ ऐसा हुआ जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। दरअसल वीणा देवी का यह आरोप है कि जब उनके ड्राइवर प्रचार गाड़ी को लेकर एक क्षेत्र में गए थे तो रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने उनकी पिटाई की, उन्हें पिस्तौल दिखलाया। पहले सुनिए कि वीणा देवी किस तरह के आरोप लगा रही हैं, उसके बाद हम उस ड्राइवर की तस्वीर भी दिखलाएंगे और उसके बयानों को भी आप तक पहुंचाएंगे जिसकी पिटाई हुई। इस घटना अभी अभी हम साहेबगंज में दौरा पर थे, साहेबगंज में मुझे पता चला कि मेरे ड्राइवर को पीटा है, उसके कनपट्टी में पिस्टल सटाया हुआ था, उसके बाद रॉड उड भी अभी गाड़ी में से निकला है, रॉड से मारने के लिए कोशिश किया। ड्राइवर सब आप खलासी जान बचा के भाग रहा था गांव में, गांव के लोग सब इकट्ठा हो गया तो बदमाश भागा है। और मेरे लोकप्रियता से आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे सबसे पहले तो मेरे हमको परेशान किया गया, हमको जेल में भेजने के लिए कोशिश किया गया, जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उनके द्वारा हमारे लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी के लोकप्रियता से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता से, आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी के लोकप्रियता से, सभी जगह है मोदी जी के नाम पर वोट लोग करने के लिए तैयार है। देश के जो हमारे भविष्य हैं, जो सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, जगह जगह महागठबंधन के उम्मीदवार जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हमारा वोट नहीं है, तो कभी हमको जेल में भेजवाने का कोशिश किया जा रहा है, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने का कोशिश किया गया। तो वीणा देवी का कहना है कि लोकप्रियता से भय खाकर रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थक ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ड्राइवर की हालत आप देख सकते हैं, बिस्तर पर पड़ा है, कुछ कह भी रहा है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सुनिए उसके बाद ड्राइवर के साथ जो खलासी इस गाड़ी पर सवार था उसके बयान को हम आपको सुनवाएंगे। हमको रोक दिया है गाड़ी, हाँ। गेट खोल के घींच के मारा, पहले बचा दिया। क्या बोला है? हाँ, बोला है जी इधर लाएगा ना साला, ध्यान गाड़ी फूक देंगे। इसके बाद स्टाफ को उधर था, हम गाड़ी में बैठ गए हैं बाइक के झुक पर। हाँ, स्टाफ था तो उसको जनरेटर वेटर से चोट लगा दिया, उसको भी मोबाइल, हमारा भी सब फाड़ चीर के मोबाइल वगैरह सब चीज, पैसा वैसा था। तो ये उस प्रचार गाड़ी के ड्राइवर थे जिनकी पिटाई हुई, इनके साथ जो खलासी था वो आपको बेहतर समझा पाएगा कि आखिर हुआ क्या। क्या हुआ जी? तीन आदमी पहले रोड पे खड़ा था, ऐसे करके तीनों बीच रोड पे खड़ा, पहले बोला कि रोको, रुक दिया, रुकने के बाद आया पहले मारना शुरू कर दिया बिना कुछ बोले हुए। उसके बाद दो तीन झापे उनको मारा, उसके बाद बोलता है कि माधोसूद बाजा बंद करो, बाजा बंद कर दिए, बाजा बंद कर दिया। अब देख रहे तब तक उनको गेट खोल के अंदर पूरा बाहर, शंभू जी को, ड्राइवर साहब को अच्छा, पूरा कलर पकड़ के घींच के मारना शुरू कर दिया। एक आदमी चढ़ गया ऊपर, ऊपर चढ़ के हमको पकड़ा कलर, दो झापड़ मारा, उसके बाद हमको पीछे की ओर धक्का दे दिया, हम गिर गए, नीचे गिर गए हम, नीचे ऊपर से नीचे गिर गए, नीचे गिर, उसके बाद जनरेटर में शॉट लगा दिया, शॉट लगाने के बाद फिर ऊपर से नीचे नीचे आया है, नीचे आके हमको बंदूक किस पे लगाया, बंदूक, हाँ, बोल रहा है कि कल से इस एरिया में आया तो तुमको गोली मार देंगे, पूरे गाड़ी में रख के जला देंगे दोनों को। पहचाने हैं लोग को, पहचान सकते हैं, सामने आएगा हम पहचान लेंगे। अब इस मामले को वीणा देवी ने थाने में दर्ज करा दिया है, आगे पुलिस इसकी जांच में जुटी है, और इस FIR के आधार पर ही हम वीणा देवी के इन आरोपों को आप तक पहुंचा रहे हैं, इन आरोपों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे हम रघुवंश प्रसाद सिंह के पक्ष को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दोषी कौन है, आरोपी कौन है, क्यों इस तरह की वारदात चुनाव को प्रभावित कर रही है, जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त नजर आता है इन चीजों को लेकर, दूसरी ओर इस तरह के जो प्रचलन है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का, कमजोर करने का,
काम करते हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, पल पल के अपडेट्स सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, वो भी डिजिटल माध्यम में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।